तो अंधेरा तो छाएगा ही। दुखों का, कष्टों का, गमों का अंधेरा छाया है मालसापति। मेरा भक्त इस अंधेरे में भी आस लगाए बैठा है कि उसे आशा की किरण दिखाई देगी। कैसे देगी, कैसे देगी? मेरे भक्त की आंखों की रोशनी चली गई है और उसे गम इस बात का है मालसापति कि वो मुझे नहीं देख सकेगा। ऐसे भक्त मुझे रुला देते हैं मालसापति। वो मुझसे कोई सवाल नहीं करते। मैंने ही कहा है कि श्रद्धा और विश्वास से ही भक्ति करो। वो श्रद्धा और विश्वास से ही भक्ति करते हैं, फिर उनके परिवार के मन में शंका पैदा होती है। हमेशा बाबा का जाप करते रहते हो, उन पर इतनी श्रद्धा और विश्वास रखते हो, तो क्यों नहीं वो आपकी आंखों की रोशनी लौटा देते? तो क्यों नहीं वो 200 रुपए का इंतजाम कर देते? बात तो ठीक है साईनाथ, आप क्यों नहीं अपने भक्त की आंखों की रोशनी लौटा देते? मालसापति, तुम्हें याद नहीं कितनी बार मैंने कहा है कि मैं इंसान के कर्म फल को बदल नहीं सकता, उसके प्रारब्ध में दखल नहीं दे सकता। मैं जन्म लेते समय इंसान के अपने पिछले जन्म के शुभ अशुभ कर्म भी साथ जन्म लेते हैं। उसे पूर्व जन्म के कर्म के साथ साथ इस जन्म के कर्मों का फल भी भोगना ही पड़ता है। इसलिए मालसापति, इंसान के लिए यही अच्छा है कि वो अपने कष्टों को, दुखों को, पीड़ाओं को बर्दाश्त करके अपने कर्मों के भोग समाप्त कर ले और सदा के लिए जन्म मरण के चक्कर से छुटकारा पा ले। सबका मालिक एक।